हाई एवरी वन, टुडे आई स्टार्ट पॉलीनोमियल पार्ट 18। लास्ट पार्ट 17 में हमने फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जिसमें फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, जीरो आता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं कि वो फैक्टर है या नहीं है। विदाउट एक्चुअल डिवीज़न, यानी हमें डिवीज़न नहीं करना, प्रूव डैट द पॉलीनोमियल 2x³ प्लस 3x² प्लस x माइनस 70 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई -2। यानी ये पॉलीनोमियल है, ये एग्जैक्टली पूरा डिविजिबल होता है एक्स माइनस टू से। हमें ये चेक करना है विदाउट डिवीज़न से, डिवीज़न नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलीनोमियल है ही, तो हम क्या कर देंगे, मान लो पी एक्स इक्वल टू कितना है, 2x³ प्लस 13x² प्लस एक्स माइनस 17। तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड 2 का क्यूब प्लस 13 मल्टीप्लाइड 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 70। ठीक है, तो देखो 2 मल्टीप्लाइड 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस 2 टू जा 4 13 4 जा 52 प्लस 2 माइनस 70 2 8 जा 16 प्लस 2 52 प्लस 2 माइनस 70। तो 52 और 2 54 और 6 60 प्लस 10 70 माइनस 70 इक्वल टू 0। यानी x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ये इसका फैक्टर है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम 1 पुट करेंगे, माइनस है तो प्लस, यानी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ठीक है, क्या थी अपने पास, के मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, पी एक्स तो कितना हो जाएगा, के माइनस 3 प्लस के 0, 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल रख दिया ना, तो क्या हो जाएगा, इसको 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/2, क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 3/2। इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।